तो ये इन्होंने ऊपर हट सा बनाया हुआ है, इसके अंदर पूरा प्रोसेस है, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे हो रहा है। ये देखो खोलते ही पूरी बाहर आने लग गई है, और ये अंदर ऐसा है, इन्हें पीला वाला जो है ये मेडिसिन है, और दूसरे वाले हनी है। अभी ये हनी निकाल के दिखाएंगे हमें, तो दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये हनी निकालेंगे अभी इसमें से, कैसे निकालते हैं। मक्खियों की मेहनत बहुत है इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ये देखो इसमें निकाल रहे हैं, ये इसमें जाएगा पूरा, ये बॉटल में। अभी हनी का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं खाली हमें डेमो के चक्कर में। तो एक्सट्रैक्ट करके हनी ऐसी ऐसा निकलता है इसके अंदर से, ये है जो निकलता है, और ये मीठा वाला है। तो वैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये खाली वो दिखाने के लिए उन्होंने मशीन लाई थी, हालांकि अभी टाइम हुआ नहीं था एक्सट्रैक्शन का, लेकिन दिखाने के लिए वो लेके आए थे मशीन। मैं आपको थोड़ा सा उसको खोल के दिखाता हूँ अंदर शायद कैसा दिख रहा है। आस्क हिम टू जस्ट ओपन वन ऑफ इट फ्रॉम इनसाइड टू शो मी। ये देखो ये देखो ये देखो ये है शहद, अंदर से ऐसा दिख रहा है, ये पूरा शहद है, ये मक्खियों ने बनाया हुआ पूरा शहद। टेस्ट गुड राइट। और ये जो मक्खियां हैं, ये मुझे अभी पता लगा, ये जो मक्खियां हैं त्रिगुना, राइट त्रिगुना, इट्स थिंग इन इंग्लिश दे कॉल इट स्टिंगलेस बी। हाँ त्रिगुना मक्खियां हैं ये, इंग्लिश में इसको स्टिंगलेस बी कहते हैं। ये काटती नहीं है, और काटेंगे भी तो इनके डंक वैसे नहीं होते कि काट के कुछ ज़्यादा असर हो, और इसीलिए इनका जो प्रोसेस है बनाने का वो डिफरेंट भी है और ये अलग है। तो ये है हनी बी का, जो जैसे बोलते हैं मछली पालन, वैसे हनी बी का जो पालतू घर में बना रहे हैं, ये प्रोसेस है। पोलन ini walaupun dia asam tapi pH-nya netral. Nah, jadi aman untuk lambung. Oh, even though this is the sour one, right? The sour one is safe for your gastric because it's neutral. Okay. Yeah. So it's safe for you. Not the sweet one, right? फूलों में से कुछ चीज़ें एक्सट्रैक्ट करती हैं, ला के उसका हनी बनाती हैं। और ये देखो देख के बिल्कुल नेचुरली ऐसा हनी देखा नहीं होगा आपने, ये देखो ये हनी है पूरा। एंड टेल देम दैट ही ग्रो दिस थिंग बिकॉज़ ही हैड अ गैस्ट्रिक। हाँ तो इन्होंने व्हाट्स हिज नेम अगेन वंस अगेन, आई एम सॉरी, यासीन। या सो यासीन ने, यासीन है ये यहाँ पे। तो इन्होंने एक्चुअली ग्रो करना शुरू क्यों किया मैं बताता हूँ आपको। स्टोरी ये है कि ये इनको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम थी, और इनको किसी ने बताया कि ये चीज़ जो है ये बेस्ट है, तो इन्होंने अपने लिए ग्रो किया था, खुद लाके अपने लिए।